भागलपुर पुलिस के द्वारा शहर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। मुजाहिदपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। SSP ने कहा कि सघन वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की विशेष DIU टीम को बंगाल के डालकोला से कुछ तस्कर द्वारा ब्राउन शुगर की खेप लेकर भागलपुर आने की गुप्त सूचना मिली थी। तभी पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए ब्राउन शुगर कारोबारी को रंगे हाथों दबोच लिया। पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने कहा कि ब्राउन शुगर की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है, जबकि गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर इस कारोबार से जुड़े फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को भी खंगाला जा रहा है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। SSP ने कहा कि उनके निर्देश पर CTSP अमित रंजन की निगरानी और CTDSP अजय चौधरी के नेतृत्व में SIT टीम का गठन किया गया, जिसके बाद टीम के द्वारा मुजाहिदपुर पुलिस के सहयोग से तकनीकी अनुसंधान के आधार पर सघन जांच अभियान चलाया गया। वहीं जांच के क्रम में SIT टीम ने दयानंद कुमार उर्फ दया और रोहित कुमार को तलाशी के लिए रोका। तलाशी के क्रम में पुलिस को उसके पास से 800 ग्राम प्रतिबंधित ब्राउन शुगर बरामद हुआ, जिसके बाद ब्राउन शुगर को जब्त कर दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने एक और युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अलीगंज निवासी विष्णु शाह के पुत्र वाशु और कालीस्थान निवासी अनिल शाह के पुत्र दयानंद उर्फ दया एवं गुलाब बाग निवासी बिहारी लाल शाह के पुत्र रोहित कुमार उर्फ रोहित लाल के रूप में हुई है। अपराधी के इतिहास इनका जो आसपास के थानों में खंगाला गया है अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अभी बाकी जो थाने हैं वहाँ भी इनका अपराधी के इतिहास खंगाला जा रहा है। इनसे पूछताछ भी पुलिस विशेष तौर पर कर रही है और इनका जो जो भी इनके पास मोबाइल नंबर वगैरह बरामद हुआ है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर, ये बैकवर्ड लिंकेज की बात की आपने, वहाँ पे फॉरवर्ड लिंकेज में सर कहाँ ये सप्लाई करने वाले थे, किनके पास जाने वाले? जैसे मैंने बोला कि इसमें ये तीनों इम्पॉर्टेंट इस पूरे सिंडिकेट के किंगपिन है और इसका जो नीचे का जो सप्लाई जो रिसीवर ग्रुप है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और जो सप्लायर है बंगाल से उस पर भी काम कर रहे हैं। हम लोग बंगाल की टीम भेज के और उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सर, ये अमाउंट बहुत बड़ा है, 20 लाख रुपए जी, ये कहाँ से आए, कौन लोग इनको सप्लाई पैसा मुहैया कर रहे हैं? देखिए, जांच हो रही है, हर बिंदु पे जांच हो रही है, ठीक है, पैसे के बिंदु पर भी जांच हो रही है, पैसा इनके पास जो आ रहा है पैसा जा कहाँ रहा है, कौन लोग उसको पैसा दे रहे हैं, ये सभी बिंदुओं पे जांच हो रही है और इनकी संपत्तियों की भी हम लोग जांच कराएंगे, सभी बिंदुओं पर हम लोग जाँच कराएंगे। बिहार में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है, जिस कारण आपराधिक घटना में काफी वृद्धि हुई है। दरअसल भागलपुर में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी। गोली युवक की पीठ में जा लगी और वह घायल हो गया। दिन दहाड़े अपराधियों ने बाईपास इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इधर घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार वह फिलहाल खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व प्रॉपर्टी डीलर से अपराधियों ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और रंगदारी नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसी को लेकर बीते दिनों दोपहर के वक्त अपराधियों ने बाईपास इलाके में ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी, जिसमें घर की तरफ से आ रहे प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद असलम को गोली लग गई। वहीं मोहम्मद असलम ने बताया कि वह बाईपास होकर वापस घर लौट रहा था, तभी अपराधियों ने उस पर गोली चला दी। गोली मारने का आरोप इलाके के ही फिरदौस, इम्तियाज और सोनी पर लगाया गया है, जिसके द्वारा फोन पर प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी की मांग की गई थी। इसको लेकर हबीबपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि फिलहाल पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। बाईपास से आ रहे थे हम घर को, वहाँ होटल के पास पीछे से गोली मार दिया इम्तियाज, सोनी बॉस, सफुल्ला चक्का और कुरबान घर है फिरदौस का, ये तीनों मिल के गोली मारा। कहाँ पर घटना घटी है? बाईपास में। कुछ दुश्मनी थी क्या? धमकी दिया था पहले। क्या धमकी दिया? हम देख लेंगे। क्या कुछ मामला हुआ होगा पहले? मामला यही है, जमीन जगह का वो जबरदस्ती डिमांड करता है। अच्छा, उसका कोई मतलब ही नहीं है, इसी में डिमांड करता है। मेरे पार्टनर के पास रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, 10 लाख रुपए दो, ये कर देंगे वो कर देंगे, धमकी देता।
कहाँ गोली लगी आपको? पीठ में लगी। कितने बजे? कहाँ के रहने वाले हैं? 11 बजे आस पास में। दो गाड़ी से थी। कहाँ के रहने वाले हैं? आप कुरवान के रहने वाले हैं? कुरवान के रहने वाले। क्या नाम हुआ आपका? असलम नाम हुआ मेरा। कौन थाना पड़ता है वो? हबीबपुर थाना पड़ता है। हबीबपुर थाना पड़ता। आप करते क्या है? जमीन देखेगा, ब्रोकरी करते हैं। ब्रोकरी करते हैं, वही माम जमीने को लेके आपसे विवाद है। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में डीलर एसोसिएशन के बैनर तले 8 सूत्री मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीलर एसोसिएशन के प्रखंड अध्यक्ष सुजीत कुमार दुबे उर्फ पिंटू दुबे ने की। इस दौरान प्रखंड के सभी डीलर एकजुट हुए और अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाजें बुलंद की। इसको लेकर डीलर एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी नोमान अंसारी और संजीव कुमार ने बताया कि वे सभी 8 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जबकि इसको लेकर प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर सरकार से अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की बात भी कही गई है। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र और बिहार सरकार उनकी 8 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। मौके पर डीलर एसोसिएशन के सदस्य रामजी यादव, प्रताप राणा, संजीव कुमार, मनीष कुमार, सरिता सुमन और कमला श्रीवास्तव समेत डीलर एसोसिएशन के कई सदस्य और उनके समर्थक मौजूद थे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्ने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के बहुप्रतीक्षित भोलानाथ पुल फ्लाईओवर निर्माण कार्य समय के साथ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। बिकनपुर गुमटी नंबर 3 से मिर्जानहाट शीतलास्थान चौक तक बनने वाले 1390 मीटर लंबे फ्लाईओवर निर्माण के तहत बौसी रेलवे पुल से शीतलास्थान तक की सड़क पर निर्माण एजेंसी द्वारा सुरक्षा की दृष्टिकोण से बैरिकेडिंग कर पिलर निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है, जहाँ JCB, ट्रैक्टर, उत्खनन यंत्र एवं कई प्रकार के आधुनिक यंत्रों से पिलर निर्माण जारी है। शीतलास्थान चौक से भोलानाथ पुल तक एजेंसी के द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई है, जबकि इस कारण बौसी पुल से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है, जिससे आम लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि निर्माण कार्य के दौरान दक्षिणी क्षेत्र की ओर वाहनों के आवागमन के लिए भोलानाथ पुल के बगल से रूट तय किया गया है, जहां तमाम छोटे वाहन इशाकचक की ओर से शीतलास्थान और मिर्जान हाट की ओर आ जा सकते हैं। वहीं भोलानाथ पुल फ्लाईओवर निर्माण कार्य शुरू होने से विशेषकर इस मार्ग से आवागमन करने वाले और भागलपुर दक्षिणी क्षेत्र के लोगों के मन में क्षेत्र के विकास को लेकर भी एक नई उम्मीद जगी है। बता दें कि इस मार्ग में नाला निर्माण और ड्रेनेज सिस्टम के साथ बिजली के पोल एवं ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग पहले ही हो चुकी है, जिससे पिलर निर्माण कार्य में कोई परेशानी न हो। हालांकि फ्लाईओवर निर्माण कार्य से सड़कों की हुई बदतर हालत के कारण इस मार्ग समेत आसपास के इलाके में रहने वाले और आने जाने वाले राहगीरों के लिए आवागमन में काफी मशक्कत करनी पड़ती है।
अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहे रामलला के भव्य मंदिर को लेकर जहां देश भर में उत्साह और भक्ति का माहौल है, वहीं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर पूजित अक्षत कलश से अक्षत चावल देकर लोगों को अयोध्या मंदिर जाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। भागलपुर में भी अक्षत कलश के साथ शोभा यात्रा निकालकर लोगों को बहुप्रतीक्षित राम मंदिर निर्माण की बधाई देते हुए रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या धाम आमंत्रित किया गया।